मेरे खुद के निहारी बोल, सब सीधा आई नहीं बोल, आई नहीं रही। हाँ निहारी बोल, निहारी निहारी दिखा दो। एक साल बाद दारू पीने जा रहा हूँ। दारू तो पैसे की पी रहा, पैसे की पी रहे तो पैसों की होगी तो भरवा लो। तो अकाउंट में पैसा तो आना चाहिए सब्सिडी का, वो नहीं आ रहा। तो सरकारी तो खा रही है, बीजेपी सरकारी तो खा रही है। बोलो आपको, लोगों के चार चार टंकी आती थी पहले, आजकल है ना गाँवों में जा रही है। मोदी सरकार ने बोला, मोदी जी ने, कि है ना मेरा एक भी परसेंट काला धन हो ना नोटबंदी में, एक भी रुपया काला धन का हो तो मेरे को जेल के किसी भी चौराहे पर घड़ा करके जला देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारा हिसाब दिया एक एक रुपए का, और है ना सब्सिडी कहा था मोदी जी ने, क्या ना जिनके चार चार सब्सिडी दी है वो तीन तीन ही लियो। आपको मीडिया मीडिया पे जाके देना, आज तक पे जाके। अरे एक मिनट रुको, ये मोदी जी ने नोटबंदी करवाया, उसका क्या फर्क पड़ा? नोटबंदी से 17% काला धन अभी निकल गया, वो है ना 100% में दिखा रहे सब। कितने जने मरे, कितने जने कौन मर गया? लाइन में तो सभी लगे होते हैं, मोदी की माँ भी लगी थी लाइन में। तो बता दो आपको, क्या उसने छोड़ दिया परिवार, इसलिए बोल रहा हूँ आज आप। मोदी जी शादी होगी, हिम्मत होनी चाहिए। मोदी जी की शादी होगी क्या? मोदी जी ने शादी नहीं करी, आरएसएस का नेता है। तो आज ही बोलता हूँ शादी होगी, लुगाई है। कौन कहता है? पुष्कर माई थी अभी अगले महीने। वो ना आप जो बोल रहे हो ना, वो आज तक पे आया था वायरल टेस्ट, उसमें अखबार में आ गई भले सी। आज तक दुनिया का नंबर वन चैनल है ना भारत का, उसमें वायरल टेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये सब झूठा करार दिया गया राजगढ़ में। उसके बाद राहुल गांधी जो कह रहा था मैं शिव भक्त हूँ, मेरी फैमिली शिव भक्त है, वहाँ पे जाके उस पर सवाल उठ गया कि ये है ना गैर हिंदू है। क्या बात, ये सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? मैं तो भैया बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार आनी नहीं चाहिए। तो मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी? आप करो तो सही कोई काम। सब कुछ कर ली, बैंक में आधार कार्ड और पासबुक जमा करा दी, आज तक भी नहीं आ रही। आपके बीजेपी पे पोलिंग बूथ है ना।